नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है कुश पांडे और आप देख रहे हैं द करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू आप सबका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है इस सुबह इस मॉर्निंग में काइज टुमोरो इज द डे आफ्टर टुमोरो इज़ द रिपब्लिक डे एंड एवरी वन शुड नो अबाउट दिस डेज तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कल नहीं परसों कम से कम टू ऑल दोस पीपल हु आर सीरियस अबाउट प्रिपेयरिंग ऑल्सो सीरियस अबाउट द कंट्री शुड एटलीस्ट नो अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी साथ ही साथ टू ऑल दो पीपल

चूज वाइसली इन टर्म्स ऑफ वॉट यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ एंड यू विल भी हैप्पी एंड यू विल भी सक्सेसफुल ठीक है तो चलो शुरू करें एंड ले चलें आपको हमारे आज के पहले कोड पर देर इज़ अ बुक आई एम रीडिंग राइट नाउ का इज दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट बुक फॉर मोटिवेशन फॉर डिसिप्लिन उस बुक का एक कोड मैं आपने लाया हूँ और वो ये रहा आपके सामने विनर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग बट लूजर्स आर फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सक्सेस पीपल हु अवॉइड फेलियर

Uh, due to the ill health of Arun Jaitley, uh, Mr. Piyush Goel has been appointed the additional charge for the finance ministry. Tabir thodi si hai Arun is se, hamare Mantri He is Piyush Goel. There is a week left for the February 1 budget presentation and it is highly likely that Mr. Goel will present the budget on February 1 in the parliament. मिस्टर जेटली इज़ इन द यू एस फॉर ट्रीटमेंट एंड हो सकता है कि वो इन टाइम ना आ पाए एंड ही इज़ ही विल कंटिन्यू टू बी द मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो एंड द करेंट मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ऑफ़ द फांस मिनिस्ट्री इज द कोल एंड रेलवेज मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल ये हमारी uh, पहली खबर है वापस स्क्रीन पर आते हैं ही वॉज अर्लियर ऑल्सो अपॉइंटेड फॉर अ शॉर्ट टर्म उन्हें Uh, कुछ समय पहले भी शॉर्ट टर्म के लिए अपॉइंट किया गया था एंड अब फिर से uh, उन्हें अपॉइंट किया गया है एज द एडिशनल एडिशनल ड्यूटी ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री चलो आगे बढ़ते हैं एंड ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे जो कि ये रही आपके सामने uh, ये खबर बहुत बड़ी नहीं है पर uh, क्योंकि फर्स्ट पेज पे थी इसलिए मैंने इसको टेकअप किया है ओरल मैंशंस इन द सुप्रीम कोर्ट विल सून बी हिस्ट्री देर आर वेरियस केसेज विच आर अर्जेंट Those cases are heard orally without any documentation by the Supreme Court. But as per the new guidelines, Supreme Court has said that uh, they will uh, basically have a system in place par urgent cases ko automatically uh, sir uh, bench hai wo take up karegi, depending upon a particular application or a particular method. So you. the Supreme Court is drafting new guidelines that would help ensure the urgent cases automatically come up before a bench for hearing within four days.

इज सुप्रीम कोर्ट जो है वो कब बना नंबर वन एंड नंबर टू हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ आ सुप्रीम कोर्ट भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है इसका जवाब आप कमेंट्स में चाहें तो दे सकते हैं ठीक है अगर यहां तक क्लियर है कमेंट कर दीजिएगा वन आगे बढ़ते ट्वेंटी थ्री रेलवे पोस्ट आर फॉर द पुअ Uh, एक घोषणा की है बाय द एडिशनल फिनंस मिनिस्टर एंड द रेलवे कोल मिनिस्टर पीयूष गोयल हर जगह यही है ऑलमोस्ट फोर मंथ्स अहेड ऑफ द 2019 नाइनटीन इलेक्शंस द गवर्नमेंट ओन रेलवेज ऑन हैज सेड दे विल बी अनाउंसिंग अ मासिव और अ मैसिव रिक्रूटमेंट ड्राइव टू हायर अबाउट टू पॉइंट थ्री जीरो लाख पीपल इन द नेक्स्ट टू ईयर्स आने वाले दो सालों में करीब दो लाख कर तीस हज़ार लोगों को जॉब्स मिलने की बात की गई है आफ्टर दंड्रेड थर्ड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन

आपके साइकिल्स में रिक्रूटमेंट्स होंगे रेलवेज़ के अंदर एक फ़रवरी मार्च में इस साल एंड दैन नेक्स्ट ईयर इन अप्रैल में ऐसी घोषणा की है बाय मिस्टर पीयूष गोयल लेट्स होप कि बहुत सारे लोग को जॉब्स इस बार लग जाएँ जब वापस स्क्रीन पर आ जाए एक टिप दूंगा मैं आपको एंड एज अ फ्रेंड आपको मैं टिप दे रहा हूँ मेरे को स्क्रीन पर ले आओ the tip that i want to give is that yes you can pursue a job but if you're not getting a job do something of your own self aapke upar hai ya to aap job kare ya khud ka kuch kare but do something in life chalo aage badhe and le chale aapko hamari agli khabar इसरो इज सेट टू लॉन्च अ मिलिट्री सैटेलाइट टुनाइट आज की रात इसरो जो है वो एक मिलिट्री सैटेलाइट को लॉन्च करेगा uh, The name of the satellite, guys, is Microsat R. इट इज़ अ हंड्रेड के जी क्लास सैटेलाइट एंड इसमें डी आर डी ओ का जो पेलोड है उसको लाया गया है एंड इट विल भी लॉन्च इन द लोवेस्ट ऑबिट एंड ये आज ही आपका लॉन्च किया जाएगा सो एट टू नाइट इसरो इज लॉन्चिंग अ मिलिट्री सैटेलाइट बाई द नीम माइक्रो सैट आर सिमिलरली इट इज ऑल्सो लॉन्चिंग कलाम सैट विच इज अ नैनो सैटेलाइट विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेटेलाइट मेड बाय स्टूडेंट्स एंड उसको भी वो आज ही लॉन्च करने वाला है सो लेट्स हैव द डिस्कशन लेट्स हैव द टोटल डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस हेडलाइन एंड वो ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर जस्ट बिफोर मिड नाइट ऑन थर्सडे इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट मिशन ऑफ ट्वेंटी नाइनटीन विल पुट इन टू स्पेस अ वन थर्टी के जी मिलिट्री इमेजिंग सैटेलाइट माइक्रोसैट आर अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन जी माइक्रोसैट आर जो है उसमें जो पेलोड रहेगा वो डी ने दिया है और इसका मेन इस्तेमाल होगा फॉर मिलिट्री पर्पज़ द लॉन्चर विल बी पी एस एल वी सी फोर्टी फोर एंड इट विल बी लॉन्च एट सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्री हरिकोटा इन आंध्र प्रदेश तो याद रखिएगा सवाल बनेगा आपके लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट्स विल बी लॉन्च बाय इसरो फॉर मिलिट्री पर्पज द आंसर इज माइक्रोसैट आर

जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको ये पूरी तरीके से सब कुछ क्लियर हो गया है चलिए आगे बढ़ते हैं एंड ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पर उससे पहले एक बार देखते हैं ये डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो सैट आर इज़ अ हंड्रेड के जी क्लास मिलिट्रीजिंग सेटेलाइट इंक्लूडिंग ओवरऑल इट इज़ वन थर्टी के जीज दैन वी हैव कलाम सैट विच इज़ अ नैनो सेटेलाइट विच इज़ वेइंग वन पॉइंट टू के जी एंड विद अ लाइफ स्पैन ऑफ़ टू मंथ इसकी कॉस्ट आई है करीब बारह लाख रुपए अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ याद रखिएगा कि लोवेस्ट ऑर्बिट पर इस बार आपका लॉन्च होगा एंड दैट लोवेस्ट ऑर्बिट लेंथ और डिस्टेंस इज़ टू हंड्रेड एंड सेवेंटी सेवन किलोमीटर्स इस इस इससे कम ऑर्बिट पर आप

which is known as roshni maple you. in a bid to assist visually impaired people to easily determine the denomination of currency notes the iit at roper has launched a, 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 a gap by the name roshni uh, Roshni is the first android app that works successfully with new currency notes that were released after demonetization and it works well in broad range of light conditions and holding angles So, bahut hi simple banega, ki, uh, ki what is the name of the app that will that will be that will be used by visually impaired for determining the currency notes especially the new currency notes the answer is Roshni One more banega ki which uh, which of the following organizations हैज़ लॉन्च रोशनी द आंसर विल बी आई आई टी रोपड़ इन पंजाब उसने इसको लॉन्च किया है क्लियर हो गया है कमेंट कर दीजिएगा वन इससे ज़्यादा इसमें आपका कोई सवाल एग्जाम में नहीं आएगा देखिए इसका जो एक कंटेंट है इन इन पॉइंट फॉर्म वो भी मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो कमेंट करते रहिएगा वन एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा आगे बढ़ते हैं ले चलते हैं आपको अगली खबर पर कैबिनेट हैज़ ओकेड एन एम बिटवीन इंडिया एंड कुवैत इंडिया और कुवैत के बीच जो एक एम है विच इज़ फॉर कोऑपरेशन ऑन दी रिक्रूटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स स्पेशली भारत से कई डोमेस्टिकल्प आपके जाते हैं uh, आपके जाते हैं uh, कोवैत तो उनको एक तरह से सेफ गार्ड करने के लिए टू एक्चुअली लुक फॉर देर सेफ्टी एंड ऑल्सो फॉर देर ग्रोथ जो एक अग्रीमेंट था ऑफ कोऑपरेशन फ़ॉर रिक्रूटमेंट डोमेस्टिक वर्कर्स बिटवीन इंडियन कोवैत उसको जो सरकार हमारी है कैबिनेट हमारी है उसने अप्रूवल दे दिया है आप दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं कि द मूव इज लाइकली टू बेनिफिट अराउंड थ्री लाख इंडियन वर्कर्स जो कि कुवैत में डिप्लॉयड हैं और इसमें से करीब नाइन्टी थाउजेंड आपकी फ़ीमेल डोमेस्टिक वर्कर्स हैं ये जो जो एम है इट इज़ वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव इयर्स एंड साथ ही साथ इसको साथ ही साथ दे इज ऑल्सो सेटअप अ जॉइंट कमिटी जो कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में में हेल्प करेगा सो ओवरऑल बात करें आपके लिए बहुत ही सिंपल खबर है दोस्तों कि द यूनियन कैबिनेट हैज़ सेट दैट द एम ओ यू बिटवी इंडिया एंड कोवैद फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स हैज़ बिन अप्रूव्ड नंबर वन नंबर टू अराउंड थ्री लाख इंडियन वर्कर्स विल बी बेनिफिटेड नंबर थ्री आउट ऑफ द्री लैक्स नाइन्टी थाउजेंड आर डोमेस्टिक फीमेल वर्कर्स एंड इसके लिए एक जॉइंट कमिटी आपकी बनेगी और ये जो आपका अग्रीमेंट है ये आने वाले पाँच सालों के लिए है एंड उसके बाद इसको ऑटोमेटिकली अप्रूवल में डाला भी जा सकता है तो ये दो तीन चीज़ें हैं जिसको कि आपको यहाँ पर गौर फरमाना है चलो आगे बढ़ें एंड ले चलें आपको हमारी अगली हेडलाइन पे आई होप यहाँ तक आप सबको पूरी हेडलाइंस जो हैं वो क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों तो उससे आने से पहले एक बार ये मैप देख लेते हैं ये रहा आपके सामने हमारा मैप जहाँ पर आप देख सकते हो कि कुवैत कहाँ पर है कुवैत इज दिस एंड इट्स नेबर्स आर इराक टू एन एक्सटेंड ईरान इट लाइज ऑन द साइड ऑफ द पर्शियन गल्फ एंड इसका एक और नेबर जो है वो आपका सऊदी अरेबिया भी यहाँ पर है माई क्वेश्चन हेयर इज टेल मी द कैपिटल ऑफ इराक एंड वॉट इज द टेल मी द कैपिटल ऑफ कुवैत एंड वॉट इज़ द करेंसी ऑफ कुवैत इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन दे सकते हैं अगर यहाँ तक क्लियर है प्लीज़ वो वन लिखते जाइएगा और अगर अच्छा लग रहा है तो लिखिएगा वन स्टार ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको शो बढ़िया लग रहा है लेट्स नाट प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन गाइज जो कि ये रही आपके सामने आई I want everyone टू बी रियली फोकस्ड दिस न्यू ईयर everyone, please प्लीज़ मेक अ that दैट यू विल नॉट down डाउन विद द डिफिकल्टी ऑफ अ पेपर आप एक आवाहन लीजिए कि पेपर कितना डिफ़िकल्ट आएगा मैं हटूंगा नहीं मैं उसको फेस करूंगा। तो उसी में से ये हेडलाइन है दिस हेडलाइन इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग तो सुनिएगा ध्यान से द कैबिनेट हैज़ डिसाइडेड टू स्ट्रेंथन नॉर्थ ईस्ट ऑटोनस काउंसिल नवाइ समझिएगा बड़े ध्यान से There are certain scheduled areas in our in the northeast. Those are 10 in number. kuch कुछ ऐसे अनुसूचित एरियाज हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने चिन्हित किया है जिनकी संख्या है दस amendments, सम संशोधन हैविन हैव बीन डन इन दोज एरियाज मैं फिर से पीट कर दूँ आपके लिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर अमेंडमेंट की बात की गई है जहां पर संशोधन की बात की गई है दे हैव बीन प्रपोजल्स ऑफ सर्टन अमेंडमेंट्स अपार्ट फ्रॉम दिस दे विल ऑल्सो प्रोवाइड सम एडिशनल पावर्स टू दिज एरियाज तो सबसे पहले तो आइए जानते हैं अमेंडमेंट्स हैं क्या एंड फिर जानते हैं वट इज़ द शेड्यूल्ड एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट तो आइए एक और दिखाते हैं आपको

तो uh, तो दीज अमेंडमेंट्स विल प्रोवाइड इलेक्टेड विलेज म्यूनसिपल काउंसिल्स इंश्योरिंग डेमोक्रेसी एंड साथ ही साथ दे विल बी स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कि यहाँ पर इलेक्शन uh, को हेल्ड भी करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये ऐसे एरियाज़ हैं जिनकी खुद की अपनी ये काउंसिल है उन्हें और बेहतर सर्विसेज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी नाउ गाइस अंडरस्टैंड न गाइस अंडरस्टैंड अ वेरी सिंपल फैक्ट कि ये एरियाज़ क्या हैं और ये सिक्स शेड्यूल क्या है तो उसके लिए हम चलते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट पे there are 10 councils guys assam has bodoland karbi anglong dima meghalaya has garo hills jaintia hills khasi hills uh, tripura has uh, tripura tribal areas and mizoram has chakma lai and mara council total there are 10 councils under the 6th schedule नाउ दीज एरियाज़ दे फॉल अंडर दिन द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट पर इनके लिए अलग से डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल्स को बनाया गया है जिसको अलग अलग आपकी पावर्स प्रोवाइड की गई हैं तो यहाँ पर सिंपल सी आपको बात याद रखनी है एंड ये ये सवाल जो ये जो हेडलाइन है इट विल ओनली कम इन एस बी आई पी ओ ग्रेड बी और यू पी एस सी ये आपका एस एस सी में और बाकी आई बी पी एस पी ओ या आर आर बी में नहीं आएगा फिर भी ये एस बी आई तक आ सकता है सो so मैं फिर से आपको रिपीट करूँ टेन काउंसिल्स हैव बिन गिवन फार मोर एग्जीक्यूशन एंड फाइनेंशियल पावर्स टेन काउंसिल्स के नेम मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं

और द पीपल ऑफ़ अ स्टेट दे कैन हैव प्रॉब्लम्स और दे कैन हैव कम्प्लेंस और दे कैन हैव इश्यूज विद दैट पर्टिकुलर जीएसटी टैक्सेशन जीएसटी क्योंकि एक टैक्स है uh, टैक्स को आपको फाइल करना पड़ता है तो, तो बिल्कुल पूरी संभावना है कि आपको शायद दिक्कत हो जाए शायद एक स्टेट को दिक्कत हो तो अगर दिक्कत है अगर प्रॉब्लम है तो इसके लिए क्या किया जाए तो इसके लिए नाउ द गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद अ जीएसटी एस ट्रिब्यूनल दिस ट्रिब्यूनल काइज विल बेसिकली हेल्प इन सॉल्विंग इशूज़ बिटवीन द सेंटर बिटवीन द स्टेट्स बिटवीन द पीपल एंड ऑल्सो द कंट्री तो कई सारे जो इशूज़ हैं रिगार्डिंग रिगार्डिंग uh, आपका रिगार्डिंग uh, आपका दी एस टी उसको यहाँ पर एक तरह से अप, एक तरह से अप्रूव या फिर हेल्प uh, किया जाएगा उसकी बात मैं आपके सामने यहाँ पर कर रहा हूँ गाइज जिनको पी चाहिए एक बार एक रिक्वेस्ट आ रही है पीडीएफ की तो पी आपका अवेलेबल है पी uh, आपका अवेलेबल है मेरे ग्रुप पर उस ग्रुप का लिंक मैं अभी आपको कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ एंड दोस्तों वो ये रहा आपके सामने लिंक ये लिंक पे जाके आप देख सकते हैं सो कैबिनेट हैज गिवन अप्रूवल फॉर अ जीएसटी एस ट्रिब्यूनल लेट्स नाउ डिस्कस व्हाट इज दिस ट्रिब्यूनल ऑल अबाउट एंड ये रहा आपके सामने the union cabinet has approved the creation of a national bench of the goods and services tax appellate tribunal it will serve as the forum of second appeals to do with the applicability of gst and will be the first common forum for disputes between the center and the states this national bench will be set up in new delhi and isme ek president B. aapka hoga this council will also consist, this will also consist of members from different states as well गवर्नमेंट का कहना है कि पहले उसकी कोशिश थी हर स्टेट में ऐसा करने की पर नाउ इट इज़ ओनली सेटिंग इट अप एट अ नेशनल लेवल ठीक है इस बेंच की क्रिएशन के लिए जो खर्चा आएगा दैट इज़ 92.50 टू पॉइंट फाइव जीरो रुपीज़ ये एक खर्चा इसके लिए आने वाला एक सवाल आ रहा है फ्रॉम फ्रॉम आंची फ्रॉम फ्रॉम अक्षय वेल इट मीन्स वेयर यू कैन अपील सो इस ट्रिब्यूनल में जाकर आप अपील कर सकते हो तो याद रखिएगा जी एस टी ए टी और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ट्रिब्यूनल विल बी सेटअप इन न्यू डेली इट विल कंसिस्ट ऑफ प्रेजिडेंट एंड ऑल्सो मेम्बर्स ऑफ द स्टेट्स एंड जो खर्चा इसके लिए आने वाला है दैट इज़ नाइनटी टू पॉइंट फाइव ज़ीरो लाख रुपीज़ आगे बढ़ें पर उससे पहले एक बार दिखा देते हैं आपको जीएसटी के बारे में जीएसटी इज बेसिकली अ डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम वेयर द टैक्स विल बी अप्लाई टू द एंड यूजर एंड यूजर पे जो टैक्स लगेगा उसी टैक्स को हम जीएसटी मानेंगे जीएसटी वाज इंप्लीमेंटेड बाय द हंड्रेड फर्स्ट अमेंडमेंट दिस टैक्स इज ऑल्सो नोन एज वन नेशन वन टैक्स पूरे देश में हर तरह के गुड्स एंड सर्विसेज पर आपका ऑलमोस्ट एक ही टैक्स लगेगा दैट इज द वन नेशन वन टैक्स द अथॉरिटी फॉर द जी एस टी टैक्सेशन और जी एस टी टैक्स रेट्स द जी एस टी काउंसिल विच मीट्स एवरी अदर मंथ फॉर डिसाइडिंग द रेट्स ऑफ द जी एस टी एंड साथ ही साथ जो इसकी एक टेक्निकल पार्ट है जिसका एक आई टी फ्रेमवर्क है दैट इज अंडर द जी एस टी एन दैट इज द गुड्स एंड टैक्स नेटवर्क वो इसके अंडर आती है दैट हेल्प्स इन द ऑनलाइन फिलिंग एंड अदर

तो जो जीएसटी तो जो तो जो जीडीपी तो है वो आपका 7.3 परसेंट तक हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 20 में क्रिसिल विच इज बेसिकली अ क्रेडिटिंग एजेंसी हैज सेट द्वेंटी एटीन नाइनटीन द जी डी पी रेट विल बी एट 7.2 परसेंट एंड फॉर 2019-20 द जी डी पी रेट विल बी एट 7.3 परसेंट उनका मानना है अगर नॉर्मल मानसून रहा इफ़ द ऑयल प्राइजिस आर स्टेबल देन The government, then the Indian uh, economy will easily achieve 7.3 in the coming next year and 7.2 in the current financial year. आइए इसको एक बार दिखा देते हैं इस दिखा देते हैं इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जीडीपी ग्रोथ विल इज एक्सपेक्टेड टू क्विक इन टू सेवन पॉइंट टू परसेंट इन ट्वेंटी एटीन नाइनटीन एंड सेवन पॉइंट थ्री परसेंट इन ट्वेंटी नाइन्टीन ट्वेंटी और ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात करें तो वो आपका रहने वाला है एट अराउंड फोर पॉइंट फाइव परसेंट इन ट्वेंटी नाइनटीन एंड ट्वेंटी दोस्तों यहाँ पर क्योंकि हमने बात की है क्रिसल की एंड जो लोग नहीं जानते हैं क्रिसिल इज़ बेसिकली अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और सी आर एच बेसिकली रेट्स इकोनॉमीज रेट्स कंपनीज इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ एंड साउंडनेस तो इसके अलावा कई और भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं अच्छा मैं एक काम करूंगा इसको प्लीज स्किप करिएगा ये जो नाम लिखे ये हो सकते पुराने हो जाएं। तो इन नाम मत जाइएगा पर आप जाने के ये चार एजेंसीज इंडिया में है सबसे फेमस द फर्स्ट वन इज क्रिसिल जिसका फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड द सेकेंड वन इज केयर दैट इज़ क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड

नेक्स्ट बात करें तो अपार्ट फ्रॉम द अपार्ट फ्रॉम द फोर देर आर थ्री वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड वाइड एजेंसीज विच आर ग्लोबल क्रेडिट एजेंसीज उनमें सबसे पहला है आपका मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस विच वॉज सेटअप इन 1909 हंड्रेड नाइन अल रिपीट ये दोनों चीज़ें आप स्किप करिएगा ये पुरानी है सेकेंड वन इज़ एस एन पी दैट इज स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एंड द लास्ट वन इज फिच रेटिंग्स विच इज अगैन इन न्यूयॉर्क मूडीज वॉज सेटअप इन इन नाइनटीन हंड्रेड नाइन एस एन पी इन एटीन सिक्सटी एंड फिश रेटिंग्स इन नाइनटीन हंड्रेड एंड फोर्टीन सो ये वर्ल्ड की तीन आपकी बहुत ही फेमस वर्ल्ड ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं यहाँ तक क्लियर हो गया कमेंट पे बताइए कमेंट लिख दीजिएगा वन नेक्स्ट पे आते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल टैलेंट कम्पटिटिवनेस इंडेक्स अगर हम जो ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिव इंडेक्स है अगर उसकी हम बात करें तो उसमें जो इंडिया की रैंक है दोस्तों दैट इज एट एटीए एटीय रैंक पे इंडिया पहुँचा है सो एज पर द्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिव इंडेक्स प्रिपेयर बाय इन सी बिजनेस स्कूल Uh, in, in help with partnership with Tata Communications and Adeco Group, India is at the rank 80 in the global competitiveness index. Switzerland is number one, followed by Singapore, U.S., Norway, and Denmark. The top ranked city in terms of the global talent competitiveness index is Washington D.C., followed by Copenhagen, Copenhagen, Oslo, uh, Oslo Vienna, and Zurich. तो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जो रैंकिंग्स आई हैं ऑफ़ द ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इंडिया इज एट इंडिया इज़ एट द एटियथ पोजिशन स्विट्जरलैंड इज़ एट नंबर वन फॉलोड बाय सिंगापुर यूएस नॉर्वे डेनमार्क इन द फर्स्ट ऑफ फाइव ये ओवरऑल मैं आपको रेटिंग्स यहाँ पर बता रहा हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया है कमेंट कर दीजिएगा वन क्योंकि बहुत ही सिंपल खबर आपके सामने है स्विट्जरलैंड जो है वो नंबर वन रैंक पर है आगे बढ़ते हैं आर बी आई ने दो तरह के सर्वे लॉन्च किए हैं आर बी आई हैज़ लॉन्च टू टाइप्स ऑफ सर्वेज द फर्स्ट सर्वे इज़ कॉल्ड एज आई ओ एस दैट इज़ इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे एंड द सेकेंड सर्वे इज़ कॉल्ड एज एस आई ओ एस दैट इज सर्विसिज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक सर्वे दीज आर क्वार्टरली सर्वे मतलब हर तिमाही आपका सर्वे होगा द फर्स्ट वन दैट इज़ द आई ओ एस इट विल फोकस ऑन द मैनुफैक्चरिंग एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर

रखना पड़ेगा आईओ एस एंड एस आई ओ एस ये दो आपके अलग अलग सर्वेज हैं यहां तक क्लियर हो गया कमेंट कर दीजिएगा वन आगे बढ़ते हैं ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे अकॉर्डिंग टू द ट्वेंटी नाइनटीन एडलमन ट्रस्ट बैरोमीटर रिपोर्ट India is the 2nd uh, ranked country in terms of informed public and 3rd ranked country in terms of uh, the general population category. So, the rank rankings which uh, came 2019 in Edelman Trust Barometer, if we talk the informed public category, mein, to India is 2nd and in terms of the general population, India is at the 3rd place. Overall, China has topped both the, both the index, that is the index of public category and also the index of general population segments. The uh, companies hai, Switzerland, ki Germany, की कनाडा की वो सबसे ट्रस्टेड कंपनीज हैं एज पर द रिपोर्ट एंड जो कंपनीज हैं इंडिया की मेक्सिको की ब्राजील की दोज आर द दीस्ट ट्रस्टेड कंपनीज आफ्टर चाइना एंड साउथ कोरिया सो ओवरऑल यहां पर बात करें सो करेंट ट्रस्ट बैरोमीटर रिपोर्ट इंडिया इज द सेकंड रैंक कंट्री इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट फॉर इन्फॉर्म पब्लिक कैटेगरी एंड थर्ड रैंक इन टर्म्स ऑफ जनरल पॉपुलेशन ओवरऑल द रैंकिंग हैज बिन टॉप बाई चाइना कंपनीज जहां सबसे ज्यादा ट्रस्ट होता है या है जिन पर वो स्विट्जरलैंड की है जर्मनी की है एंड uh, कैनेडा की है इंडिया और मेक्सिको और ब्राजील की सबसे कम ट्रस्टवर्दी कंपनीज में रखा गया है जिसके जिसके बाद चाइना और साउथ कोरिया का नंबर आता है क्लियर हो गया आप सबको कमेंट कर दीजिएगा वन। लेट्स फोकस नाउ ऑन द नेक्स्ट हेडलाइन का जो कि ये रही पर अब ये रहे हमारे सवाल आज के ओमेगा हेल्थ केयर मैनेजमेंट सर्विसेज हैजSignedIn up

एंड द आंसर ईयर इज इट इज़ ऑप्शन डी दैट इज ट्रिपल आई टी बेंगलोर नेक्स्ट सवाल पे आते हैं नेम इंडियाज प्रीमियर कंटेनर पोर्ट दैट गॉट लिस्टेड अमंगस द टॉप थर्टी कंटेनर पोर्ट्स ग्लोबली एज पर द लेटेस्ट लॉर्ज रिपोर्ट कौन से रैंक पर आपका इंडिया इंडिया uh, का ये पोर्ट आया है इन टर्म्स ऑफ टॉप थर्टी कंटेनर पोर्ट्स द आंसर इज ऑप्शन ई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और जे एन पी टी नेक्स्ट पर आते हैं होम मांग द फॉलोइंग वॉज नेम्ड द इंटरनेशनल क्रिकेटर काउंसिल्स इमर्जिंग प्ले ऑफ द इन में से किसे हाल ही में आई सी सी के इमरजिंग प्ले ऑफ द ईयर कैटेगरी में रखा गया है इज इट पृथ्वी शॉ इज़ इट कुलदीप यादव इज इट विराट कोहली और इज़ इट ऋषभ पंत क्यों है इनमें से एंड द आंसर इज़ इट इज़ ऑप्शन डी दैट इज रिषभ पंत ऋषभ पंत को इस कैटेगरी में दोस्तों रखा गया है आई एम शेयरिंग द लिंक ऑफ माई ग्रुप इस ग्रुप पे जाके आप पी को डाउनलोड कर सकते हैं एंड यह लिंक ग्रुप मैंने प्रोवाइड आपको कर दिया है नेक्स्ट पे आते हैं रघुबीर सिंह बोला और भोला हैज पास्ट अवे एट द एज ऑफ 92 ही वाज अ वेल नोन व्हाट वो एक मशहूर क्या थे वेल ही वाज अ मशहूर हॉकी प्लेयर नेक्स्ट पे आते हैं इंडिया रैंक्स dash on the global talent competitiveness index भारत की रैंक क्या है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में एंड द आंसर इज इट इज 8th नेक्स्ट सवाल पे आते हैं Which of the following firm has announced that it will create an independent institute for ethics in artificial intelligence with an initial investment of 7.5 million dollars over a period of 5 years? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट बनाएगी एथिक्स पर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके लिए वो 5 uh, सालों में 7.5 मिलियन डॉलर्स को निवेश करेगी एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन बी दैट इज़ फेसबुक फेसबुक ये काम करने वाली है नेक्स्ट पे आते हैं

The government has constituted a high power committee to दवर्नमेंट हैज कंस्टीट्यूटेड अर कमेटी टू मॉनिटर द प्राइसिंग ऑफ मेडिसिन प्रोडक्ट्स द कमिटी विल बी है से कौन उस कमिटी को हेड करेंगे जो कि मोटर करेगी प्राइसिंग ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड the आंसर इज इट इज ऑप्शन डी दैट इज नीति आयोग नीति आयोग इस पर्टिकुलर नीति आयोग मेंबर जो हेल्थ के हैं वो इस कमेटी को हेड करेंगे नेक्स्ट पे आते हैं 10 years after 2611, the Indian Navy commences the largest coastal defense exercise of the Indian coast. What is the name of this exercise? Is it the Sea Voyage? Is it Vajra Prahar? Is it a Yudh Abhyas? Is it Sea Vigil? Or is it the Malabar? 2611 के दस साल बाद भारत की सबसे बड़ी जो coastal exercise है उसका नाम क्या है? एंड द आंसर इज़ इट इज़ ऑप्शन डी दैट इज़ सी विजल दोस्तों अगर आपको शो सही में अच्छा लगता है इट इज़ मोर मोर लाइकली कि आप शो को लाइक ज़रूर करें द नंबर ऑफ लाइक्स विल विल टेल मी कि मेरा शो अच्छा जा रहा है आपको कोई भी फीडबैक देना है आप दे सकते हैं ऑन माई ई मेल आई डी दैट इज़ के यू एस एच कुश डॉट पांडे एट अड्डा टू फोर सेवन डॉट कॉम पर अगर आपको शो अच्छा लग रहा है प्लीज़ शो को आप सबके सब, सब लाइक कर दीजिएगा नेक्स्ट पर आते हैं द प्रेजेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद हैज़ कन्फर्ड द प्रधान मंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार द नेम ऑफ द अवार्ड इज फाइनालाइज्ड बाई द नेशनल सिलेक्शन कमेटी अंडर चेयरमैन चेयरपर्सनशिप ऑफ होम इनमें से किसके चेयरपर्नशिप में जो कमेटी बनी थी जिसने की फाइनलाइज किया कैंडिडेट्स को फॉर द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन ई दैट इज मेनका गांधी इनके चेयरमैनशिप में ये काम आपका हुआ था नेक्स्ट पर आते हैं एंड एम ओ यू हेज़ बिन साइंड बिटवीन इंडिया एंड डैश फॉर कोऑपरेशन ऑन द रिक्रूटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स इनमें से किस देश के साथ एक एम ओ यू साइन किया गया है फॉर कोऑपरेशन फॉर फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स एंड इसका जो आंसर आपके सामने है दैट इज़ ऑप्शन सी दैट इज़ कोवैत कोवैत के साथ आपका यह अग्रीमेंट साइन किया गया है और आते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे

यूएस डॉलर्स और आते हैं हमारे आज के लास्ट सवाल पे जो कि ये रहा एन एन एम ओ सी हैज़ बिन साइंड मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन हैज़ बिन साइंड बिटवीन इंडिया एंड डैश इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन से किसके साथ इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है

विद दिस वील कम टू एन एंड गाइज तो आज एक और इस दिन की शुरुआत करंट अफेयर से हो गई कल विल अगेन मीट मॉर्निंग एट एट एम तो अगर आपको शो अच्छा लग रहा है अगर आपको लगता है कि शो को मैं लगातार देखूं, तो देखो देखो भाई बिकॉज इस शो से ना सिर्फ आपका फ़ायदा होगा इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशंस बट यू विल ऑल्सो बी अवेयर अबाउट द डिफरेंट अपडेट्स ऑफ करंट अफेयर्स सो इसी इंटेंशन के साथ कि आप सबके सब शो को लगातार देखना शुरू कर देंगे आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ डे बाई डे एंड यू ऑल्सो विल बिकम अ डेली व्यूअर ऑफ दिस पर्टिकुलर शो गाइज तो थैंक यू सो मच गाइज एंड में एक ही बात आपसे मैं कहूँगा कि नो मैटर व्हाट हैपन्स नो मैटर वॉट हैपन्स यू आर अ लेजेंड ब बाय गाइज टेक केयर एंड Peace out.